एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं अजफर, सीए अजफर। तो गाइस, कुछ ऐसा ही इंट्रो मैंने दिया था जब मैंने आपके साथ शेयर करी थी अपनी सीए जर्नी। एंड माय गॉड, उस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया ना, मतलब अभी भी मैं जब सोचती हूँ कि पता नहीं किस मोमेंट पर मुझे वो चीज़ क्लिक हुई थी कि मुझे आपके साथ अपनी सीए जर्नी शेयर करनी है। एंड आई वाज लाइक कि होते ना कुछ मोमेंट्स जब खुदा आपके सिर पर हाथ रखता है, बोलता है कि तू ये चीज़ कर, मैं तुझे दूंगा जो तुझे चाहिए। एंड वो उस वीडियो के थ्रू हुआ। इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है ना उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो मेरी सीए जर्नी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देख रखी है, लेकिन उससे कम इंटरेस्टिंग नहीं है मेरी आफ्टर सीए जर्नी, क्योंकि आफ्टर सीए मेरे लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें हुई, उतार चढ़ाव आए, जो आपके साथ में आज इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ सीए एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ। मेरे साथ क्या हुआ सीए बनने के बाद, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ें हुई, कैसे मैं एक नॉर्मल लड़की से यूट्यूबर बन चुकी हूँ, एंड वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। तो ये वीडियो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सीए बनी थी साल 2019 में, 13 अगस्त का दिन था जब मैं सीए बनी थी। एंड सीए बनने के बाद लोग यूजुअली क्या करते हैं, मतलब जिनको जॉब करनी होती है वो जॉब सर्च करनी शुरू कर देते हैं, जिनको प्रैक्टिस में जाना होता है वो प्रैक्टिस के लिए देखना शुरू कर देते हैं। एंड मैं बचपन से थोड़ी डिफरेंट रही हूँ, मतलब थोड़ा मैं खुद को बहुत हटके समझती हूँ, मतलब मेरा दिमाग वो चीज़ें करना ही नहीं चाहता जो ज़्यादातर लोग करते हैं। तो मुझे हमेशा से ये था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है ना, क्या डिफरेंट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी मेरी सीए जर्नी में ही, मतलब जब मैंने सीए क्वालिफाई नहीं किया था तभी मैं इन चीज़ों की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होना शुरू हो चुकी थी। एंड मुझे ये था कि एक बार मैं सीए बन जाऊँ उसके बाद मैं इस चीज़ के लिए ट्राई करूँगी। एंड वो क्या चीज़ थी, एक्चुअली आई वॉन्टेड टू ट्राई माई हैंड्स इन टू एक्टिंग, जिसके बारे में आई थिंक मैंने एक दो जगह पर शेयर भी करा है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट मे बी आई टुक सम क्लासेस ऑफ एक्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, बट ऐसा नहीं था दैट आई वॉज एक्टिंग, आई वॉज डूइंग एनीथिंग इन दैट ग्रुप। मैं जस्ट ऑब्जर्व करती थी चीज़ें कि किस तरह से रिहर्सल्स होती हैं, किस तरह से एक्ट्स वगैरह होते हैं, कैसे ड्रेस रिहर्सल्स होती हैं, लाइटिंग, साउंड, बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी थी। मैं एक्चुअली उस चीज़ का एक पार्ट थी। बहुत सारे थिएटर एक्ट्स में मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर भी काम किया है, तो मुझे मतलब बैकग्राउंड में क्या चीज़ चलती है वो देखने का मौका मिला था। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करती थी जब भी प्लेज होते थे। सो मैंने जब ये डिसीजन लिया कि मुझे इसमें अपना हाथ आजमाना है, आई टोल्ड माई पेरेंट्स एज वेल, एंड दे स्ट्रेट अवे डिनाइड। मतलब उसके बाद मुझे लगा थोड़ा मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, एंड मैंने दी भी, बट जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, इफ़ दे आर नॉट हैप्पी विद माय डिसीजन तो मैं उनके डिसीजन के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं करूँगी। तो मैंने कुछ नहीं आर्गूमेंट्स करी, मैंने कोई लड़ाई नहीं करी, एंड मैंने अपना एक्टिंग वाला जो डिसीजन था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। तो उस चीज़ को ड्रॉप करने के बाद अब आपकी लड़की ऐसी तो नहीं है कि नॉर्मल लाइफ जिए, तो उसको कुछ हटके करना था। लेकिन नियरेस्ट फ्यूचर में उसको सिर्फ यही चीज़ दिखाई दे रही थी कि असल तू जॉब कर, ठीक है, कमाना स्टार्ट कर, इंडिपेंडेंट बन, कॉन्फिडेंट बन, उसके बाद देखते हैं तुझे लाइफ के साथ क्या करना है। सो मैंने उसके बाद जॉब्स वगैरह के लिए ढूंढना शुरू करा, एंड आई टोल्ड माई मॉम एज वेल कि अब मैं जॉब करना स्टार्ट करूंगी। एंड उनका जो रिएक्शन उस टाइम पर आया ना वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो ये चीज़ बोलेंगी। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, पढ़ाई कर ली, डिग्री आ गई, अब यू डोंट नीड टू डू एनी जॉब, एंड योर फादर इज़ ऑलरेडी अर्निंग, आप ठीक है घर पर रहो, घर का काम करो। आई वॉज लाइक, मतलब ये क्या मतलब हुआ कि मैंने इतने सालों की मेहनत करी, आपने इतने अच्छे सपोर्ट करा, एंड नाउ यू आर सेइंग कि यू डोंट नीड टू डू एनी जॉब। मुझे वो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई, बट मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि वो उनके वर्ड्स नहीं थे, ये कोई और था जो उनके कानों में ये वर्ड्स डाल रहा था कि अब आपको आगे जॉब कराने की जरूरत नहीं है। मतलब वो इन्फ्लुएंस हो रही थी बाहर के लोगों से, दैट वाज द ओनली रीज़न, अदरवाइज शी वाज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स माई एजुकेशन। बट स्टिल लोगों को ये भी लगता है ना कि अजफर दी के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो उनकी जर्नी बहुत आसान रही है। मैं नहीं बोलूँगी मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, बट दे वर सेलेक्टिवली सपोर्टिव। मतलब एजुकेशन का जब नाम आता है ना, दे आर वेरी सपोर्टिव, आपको जैसी पढ़ाई करनी हो, जितनी पढ़ाई करनी हो आप करो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें दे आर नॉट एक्चुअली सपोर्टिव। ये मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ है, मैंने चीज़ झेली है, एंड दैट इज़ आई एम सेइंग। मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, ये मैं कहना चाहूँगी। मतलब आप बाहर के लोगों से लड़ सकते हो, लेकिन अपने ही लोगों से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वो चीज़ आपको करनी पड़ती है व्हेन यू नो कि देर इज़ अ जनरेशन गैप। जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है, बट जो आपके जो पहले वाले जनरेशन है ना, उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये एक चीज़ आ जाती है। अदरवाइज दे आर वेरी स्वीट,
दे वेरी सपोर्टिव है ना. तो फिर मैंने जॉब्स वगैरह ढूंढनी शुरू करी. फाइनली मैंने एक्सेल में अपनी जॉब ज्वाइन करी फेब्रुअरी मंथ में. अब जब मैंने जॉब ज्वाइन करी ना, उसके बाद जो फर्स्ट मेरी सैलरी आई थी उसमें से मैंने अपने घर वालों को गिफ्ट दिए, भाई बहन अम्मी अप्पू, और अपने लिए भी मैंने कुछ खरीदा. एंड वो फीलिंग ना बहुत अमेजिंग होती है. मतलब एक महीना पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कुछ अर्न नहीं कर रही थी, मैं जो भी सेविंग वगैरह होती थी आर्टिकल चिप के स्टाइपेंड से ना वो ही चलाई जा रही थी. एंड एकदम से आई वॉज वर्किंग एंड कमा रही थी. एंड मुझे फाइनली किसी और के पैसों की कोई जरूरत नहीं थी. अब मैं अपने जो भी ख्वाहिशें हैं वो मैं खुद से पूरी कर सकती हूँ. तो वो जो चीज़ होती है ना, वो जो फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है. तो चीज़ें चल रही थी अच्छी खासी. उसके बाद मार्च आया ना, मार्च में आ गया लॉकडाउन, कोरोना आ गया, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और हमारा होम लोन चल रहा था उस टाइम पर. एंड मेरे फादर उनका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया था. मैंने ये खुद से डिसीजन लिया, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब आगे वाले जो EMIs हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ. उन्होंने मुझे कहीं पर फोर्स नहीं किया था, ना ही उन्होंने मुझे बोला था, बट ये मैंने खुद से उनको बोला था कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ. एंड उसके बाद क्या था कि जो भी मेरी सैलरी आ रही थी मोस्टली मेरी EMIs में जा रही थी. मतलब मुश्किल से 1-2 हज़ार बचते थे सिर्फ. एंड उस टाइम पर जब मैंने डिसाइड करा था ना कि यूट्यूब करना है, मुझे कैमरा लेना था. अब मैं कैमरा की फुल पेमेंट इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं बचते थे, तो इसलिए मैंने उसकी EMIs बंधवा ली थी. बचता कुछ नहीं था सैलरी में से, बट स्टिल आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि काइंड ऑफ वो मेरा बचपन से ड्रीम था दैट आई वॉन्ट टू हेल्प माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू हेल्प माई फादर, क्योंकि उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए. सो वेन आई विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरीके से, आई विल डू दैट. तो काइंड ऑफ मेरे बचपन का सपना वहां पर पूरा हुआ कि आई वॉज बींग राइट हैंड फॉर माई फादर. फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है वो. मतलब क्या बोलूँ, आई थिंक एवरी गर्ल डिजर्व टू फील दैट. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, यू डिजर्व टू फील दैट फीलिंग. लाइन बनी है नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ ऐसे कुछ है. सो बहुत अमेजिंग फीलिंग थी वो. उसके बाद यूट्यूब आया, उसके बाद जोश टॉक्स आया, बहुत सारी चीज़ें हुई साइड बाय साइड, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. एंड अब मैं जब सोचती हूँ ना अपनी जर्नी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची थी अपनी लाइफ में कि मुझे कुछ बड़ा करना है. मुझे नहीं पता था क्या करना है, मुझे कभी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था मुझे CA करनी है. बस एक चीज़ मेरे दिमाग में आती थी, मुझे कुछ बड़ा करना है. अब उस सोच सोच के चक्कर में ना कि कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा करना है, चीज़ें ना खुद ही स्टार्ट हो गई. कहाँ मैं CA थी, फिर मैं YouTube में आई, देन और भी चीज़ें उसके साथ साथ स्टार्ट हुई. तो इट ऑल स्टार्टेड विद अ ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग बिग. अब मैं सोचती हूँ ना कि अगर सिर्फ CA होती तो शायद कम लोग जानते, लेकिन क्योंकि मैंने CA के बाद अपनी यूट्यूब स्टार्ट करा तो इतने लोग जानने लगे कि मतलब आप कभी जाओ कहीं किसी फंक्शन में जाओ, मैं मेट्रो से ट्रेवल करती हूँ, मेट्रो में रोड पर लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, यू आर इंस्पिरेशन टू मी. तो मतलब सुनकर ऐसा लगता है दैट कुछ तो अच्छा कर रही हूँ अपने लाइफ में. सिर्फ CA होती तो शायद इतनी चीजें मेरी लाइफ में नहीं हो पाती. लेकिन CA के बाद बिकॉज आई स्टार्टेड द यूट्यूब तो मेरी रीच थोड़ी बढ़ने लगी, लोग मुझे देखने लगे. जब से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम दीज आई थिंक लास्ट 2.5 और 3 इयर्स, मैंने बहुत एक अच्छा चेंज देखा अपने सोसाइटी में दैट नाउ गर्ल्स आर कमिंग. अपने पेरेंट्स वो बोलती हैं कि मुझे आगे पढ़ना है, देयर पेरेंट्स आर आल्सो इनकरेजिंग देम कि आप पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनको एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि अगर वो पढ़ेंगी तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगी, कुछ हासिल करेंगे अपनी लाइफ में, एक सिंपली हाउस वाइफ नहीं रहेंगी. एंड वो चेंज मैंने देखना शुरू करा है. एंड आई एम प्राउड कि मैं उस चेंज के लिए एक एग्जांपल बन पाई जो कि मैं हमेशा से बनना चाहती थी. आई थिंक वो छोटी सी जो अस्पर थी ना जिसको ज़्यादा समझ नहीं थी, स्टिल वो ये चीज़ें सोचती थी. चाहे मुझे उस टाइम पर ज़्यादा समझ नहीं थी लेकिन इतनी समझ ज़रूर थी कि आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ. एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो चेंजेस आ रहे हैं. बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब मैंने बहुत सारे अपने रील्स के कमेंट्स में देखा है कि हमारे यहाँ पर तो नहीं होता, हमारे यहाँ पर तो लड़कियों को पढ़ाया जाता है, आप पता नहीं कौन से एग्जाम्पल देती हो. मैंने वो चीज़ देखी है, लाइव देखी है अपनी आंखों के सामने. एंड दैट इज़ वाई आई गिव दोज एग्जाम्पल्स, क्योंकि हर जगह पर लड़की को इनकरेजमेंट दी जाए टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स जॉब, नहीं होता ऐसा. सोसाइटी बहुत डिफरेंट है. इंडिया में एक थॉट प्रोसेस के लोग नहीं हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग रहते हैं. तो अगर आपको वो चीज़ें देखने को नहीं मिली है दैट मीन्स यू आर डैम लकी. आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो लाइफ जीने के लिए कितनी सारी लड़कियां दुआएं करती हैं कि मुझे एक ऐसी लाइफ जीनी है जहां पर मैं पढ़ सकूं, जहां पर मैं काम कर सकूं. अगर आपने नहीं देखी है यू आर डैम लकी गर्ल, डैम लकी यू आर. सो हाँ, दिस वॉज माई जर्नी. और ऐसा नहीं कि इन सब के बावजूद मैंने सपने देखना छोड़ दिया जस्ट बिकॉज मुझे ये चीज़ें हासिल हुई हैं. अभी रिसेंटली एक रील में भी आया था दी आपको मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, अब तो आप CA बन चुकी हो, अच्छा कर रही हो, आपको मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है. देखो CA वॉज नॉट माई ड्रीम, मेरा सपना नहीं था कि मैं CA बनूँ. सपना मेरा बहुत बड़ा है, CA उसका बहुत छोटा सा पार्ट है. तो मुझे लाइफ में जो भी सपना हासिल करना है ना
उसके लिए मुझे कॉन्स्टेंट मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. जस्ट बिकॉज मैंने सीए क्लियर कर ली, सीए बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ एंड हो चुकी है. मेरी लाइफ आई डोंट नो कब एंड होगी, लेकिन डेफिनेटली अपने सपनों के लिए काम करना मैं नहीं छोड़ सकती. एंड उसके लिए मुझे खुद के अंदर मोटिवेशन भी बनना पड़ता है टाइम टू टाइम. आई डोंट नो हाउ पीपल इवन लिव विदाउट अ ड्रीम. अगर मेरी लाइफ में सपना नहीं होगा ना, मुझे नहीं पता कि शायद मैं सुबह आंखें भी ना खोलूं, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ होगा ही नहीं. किस गोल की तरफ मैं काम करूंगी अगर मेरा सपना ही नहीं होगा मेरी लाइफ में. मेरे सपने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर मैं जी रही हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव अ ड्रीम एंड आई हैव टू अचीव दैट ड्रीम, आई हैव टू रीच टू माई ड्रीम, दैट इज वाई आई एम लिविंग दिस लाइफ. अगर नहीं होंगे आई वुड बी अ डेड बॉडी. दैट इज वट आई वॉन्ट टू से. सो सी ए ने मुझे क्या दिया है? सी ए मेड मी स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट वूमेन. सी ए मेड मी सेल्फ सफिशिएंट. मुझे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है. सी ए मेड मी कॉन्फिडेंट कि अब लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं हर चीज का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें इस जर्नी के दौरान देख ली हैं. एंड फाइनली सी ए मेड मी सी ए अशफाक खान. ये जो प्रीफिक्स है सी ए, ये मैंने खुद को तोहफे में दिया है. लोग बोलते हैं ना कि आपका नाम आपके पेरेंट्स रखते हैं, आपका जो सरनेम है वो आपके फोर फादर से आपको कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन आपको जो प्रीफिक्स होता है ना वो आप खुद कमाते हैं. सो मैंने ये सी ए कमाया है, खुद को ये प्रीफिक्स दिया है. एंड प्राउडली आई से दैट आई एम सी ए अशफाक खान. तो काफ़ी कुछ बदला है इन सालों में, लेकिन आई स्टिल फील दैट आई एम द सेम अशफाक जो कि कुछ साल पहले थी. वही अशफाक जो खुद को अंडर एस्टिमेट करती थी, वही सेम अशफाक जो कि बहुत ज़्यादा एंशियस फील करती थी अबाउट फ्यूचर, वही सेम अशफाक जो छोटी छोटी चीज़ों पर रो भी सकती थी, एंड आई डू. एंड वही सेम अशफाक जो छोटी छोटी चीज़ों से खुश भी हो जाती है. आई एम द सेम अशफाक. सो बहुत कुछ बदला लेकिन नहीं बदली तो ये अशफाक. सो यस, दिस वॉज अबाउट हाउ सी ए चेंज माई लाइफ, एंड जर्नी भी बाकी है. एंड सी ए वॉज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट जर्नी, एंड यू विल सी माई जर्नी लाइव ऑन दिस चैनल. तो मेरी जर्नी को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर सकते हैं आप. एंड मैं आती रहूँगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ. एंड मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़.